जी ठीक है, फॉर अ सीरीज, फॉर अ सीरीज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज फाइंडिंग दी एनएच टर्म. फॉर अ सीरीज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज फाइंडिंग दी एनएच टर्म. पर जूम पे भी डायरेक्ट स्क्रीन शेयर होता है व्हाइट बोर्ड का। अच्छा फाइंडिंग फॉर अ सीरीज फाइंडिंग द एनथ टर्म इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग. ये तो जूम पे जो व्हाइट बोर्ड शेयर करूंगा मैं, तो मुझे लिखना पड़ेगा ना कहीं पर. मैं जो हाँ जो जिस डिवाइस पर लिखता था मैं, उस डिवाइस पे जो लिखने वाला पेन था मेरा, उस पेन का जो इंक था वो इंक खत्म हो गया है आज आज के लिए. ठीक है. तो क्या बहुत ज्यादा ब्लर दिख रहा है क्या? थोड़ा ये सर दिख दूर रहा है थोड़ा थोड़ा। क्लियर नहीं दिख रहा. ठीक है, मुझे 2 मिनट टाइम दो, मैं कुछ जुगाड़ लगाता हूँ. कहाँ है? पर चार्ज है मैं तो. Can someone repeat what sir said? फॉर अ सीरीज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज फाइंडिंग द एनथ टर्म. मैं वापस से ज्वाइन कर रहा हूं. ठीक है, करता हूं मैं. अभी बोर्ड क्लियर है क्या? यस सर. यस सर. अभी तो बोर्ड परफेक्टली क्लियर होगा ना सभी को अच्छे से? हाँ सर. हाँ सर. ठीक है. तो फॉर अ सीरीज एनएथ टर्म, टर्म एनएथ इज वेरी इंपॉर्टेंट. फॉर अ सीरीज टर्म एनएथ इज वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है. अभी एनएच टर्म का क्या मतलब होता है? व्हाट डू वी मीन बाय एनएच टर्म? लास्ट व्हाट डू लास्ट टर्म नहीं 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 तो पर्टिकुलर अरे यार, पहले साइन इन कर लो ठीक है, और उसके बाद वहां से ज्वाइन मीटिंग करो. पहले साइन इन कर लो, फिर वहां से ज्वाइन मीटिंग करो. यार नया चैप्टर शुरू नहीं करना चाहिए बहुत लोग का. मतलब सो वो साइन इन करते वक्त कोई बोलता है कि वो लाइक दे आस्क योर एज, लाइक इफ यू पुट इन हाँ योर एक्चुअल एज सी यू आर नॉट एलिजिबल.
हां सो आई हैड टू पुट इन लाइक अ फेक एज ओके बर्थडे का हां सुन भाई ऐसा है कि सुन तू अपने जीमेल अकाउंट से मत कर उसमें तेरा एज शायद छोटा होगा ना तो 18 प्लस एज सेल करना होगा सर मेरा बराबर है नहीं सर मेरा भी बराबर है सर मेरा भी बराबर है हो सकता है आई थिंक 15 से ऊपर में होता है ना कुछ तो जीमेल पे नहीं सर सर इसको लो गूगल से करें फेसबुक से ना करें उसका गूगल से डायरेक्ट क्लिक करेगा अपने आप हो जाएगा लॉग इन देखो ना उसने किया तो है तुम लोग देखो मैं YouTube में भाई मैं भी आपको WhatsApp किया देखो उसने वही सब कुछ सेम किया पता नहीं क्या हो रहा है उसका सर अगर 15 साल का तो बोल दो गलत एक डाल दे मत प्लीज वही कर रहा हूँ साइन इन टू ज्वाइन करना है उसको साइन इन किया उसने पता नहीं बहुत फास्ट क्लिक किया है कुछ तो उसने ना साइन इन टू ज्वाइन में उसका पहले से अकाउंट ना बना हो और उसको साइन अप करना पड़ेगा फिर हाँ सर साइन इन तब करते हैं जब पहले अकाउंट हो ये भी सही बात है हाँ उसका साइन इन नहीं है ना साइन अप नहीं है तेरा साइन अप नहीं है पहले तेरे को साइन अप करना पड़ेगा भाई यार पूरी क्लास तो इसी में खत्म हो जाएगी आज लगता है सर जूम में 18 प्लस लगता है साइन इन के लिए पता नहीं ऐसा मुझे मालूम नहीं है ऐसा मैं तो कभी पता नहीं मैं तो हमेशा गूगल से किया हूँ यार कौन पता नहीं क्या कर सकते हैं मैं पढ़ा दूँ हाँ बोलो अकाउंट क्रिएट करते 18 प्लस एज डाल देने का हो जाता है सर ऐसा कुछ नहीं सर एज का कुछ नहीं है सर मैंने एज में आज का डेट डाल दिया और ज्वाइन इन हो गया मैं हाँ सर कुछ नहीं है सर एज का इशू नहीं है सर वो भी इसलिए अटका रहा है क्योंकि सर वो लोग को टेंशन होता है कि सर कि कोई कंपनी का रोबोट तो यूज नहीं कर रहा है आपकी डिटेल्स निकालने के लिए इसलिए सर वो लोग ये सब करते हैं सर वो लोग परमिशन नहीं देते रहेंगे फेसबुक को ताकि वो जूम को एक्सेस कर पाए अबे हो गया भाई क्या करूं मैं बताओ अभी मैं इसका नुकसान हो गया चलो ऐसे में हाँ फॉरेस्ट सीरीज एनीवे वीडियो सुन सकते हैं मैं लैपटॉप से किया कब फॉरेस्ट सीरीज टीएन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग ठीक है अभी समझो टीएन का मतलब क्या होता है टीएन का मतलब ये होता है जब तुम n का वैल्यू 1 डालोगे तो क्या आएगा t1 आएगा जब t का वैल्यू 2 डालोगे तो क्या आएगा t2 आएगा जब n का वैल्यू 5 डालोगे तो क्या आएगा t5 आएगा ये बात समझ में आती है क्या हाँ सर ठीक है तो tn का मतलब क्या होता है कि आप n की अलग अलग वैल्यू डालते जाओ और आपको अलग अलग टर्म्स मिलते रहेंगे इतना क्लियर है क्या इफ t1 इज 2 एंड tn by tn minus 1 इज 1 फॉर n नॉट इक्वल टू 1 फाइंड T2, T3, T4, T5. सॉल्व करिए
सर तो मैं कैसे करना है? यस सर, कुछ है ही नहीं है ना, कुछ 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 करना ही नहीं है, है ना। ये वाली इक्वेशन में यूज करो, एन को डालो टू तो क्या आ जाएगा बोलो? टी टू बाई टी वन कितना है? फोर। टू नहीं रे, टी टू बाई टी वन कितना है? टोटल आंसर फोर। हाँ तो टी टू कितना आ जाएगा? फोर। फोर समझे? अभी बताओ टी थ्री बाई टी टू कितना है? फोर। थ्री। टी टू बाई टी थ्री कितना है? थ्री है ना। तो तुम्हारा टी थ्री कितना आएगा? थ्री इंटू टू, थ्री इंटू कितना आएगा सर? फोर इंटू थ्री होगा ना। हाँ ट्वेल्व। ट्वेल्व सर। ट्वेल्व समझ में आ रहा है क्या? फिर टी फोर बाई टी थ्री, एन क्या है? एन क्या है इसमें? व्हाट इज एन हियर? फोर। फोर सो व्हाट इज टी फोर? बाहर चुके 48। अरे क्लियर है क्या? टी फाइव बाई टी फोर कितना है? फाइव। तो टी फाइव कितना है बताओ? फाइव इंटू टी फोर, फाइव इंटू टू फोर्टी। क्लियर है क्या मैं क्या बोल रहा हूँ? हाँ सर। हाँ सर। कॉपी करो इसको। डन सर, सिर्फ दो मिनट। हाँ हाँ कॉपी कर लो। कॉपी कर लो, एक बार वापस रिपीट कर दोगे आपने जो बोला था कि मैं मेरा नेट इश्यू? मैंने कुछ नहीं बोला। मतलब आपने जो सम एक्सप्लेन किया ना वो? मैंने कुछ भी एक्सप्लेन नहीं किया। तो समझ नहीं आया कुछ ये थोड़ा। क्या समझ में नहीं आया तेरे को? T1 2 है तेरे को, Tn by Tn माइनस 1 तेरा n है, तेरे को T2 निकालने का है। इस फॉर्मूले में तू डालना n को 2, तो T2 by T1 तेरा क्या बनता है? 2 बनता है। तो तेरा T1 तो 2 दिया हुआ है, तेरा T2 कितना आएगा? 4 आएगा। तो T3 by T2 कितना है? 3 है। तेरा T3 कितना आएगा? 3 into T2 कितना आएगा? 12 आएगा। समझा? हाँ हाँ। ये कोई क्वेश्चन है या फिर रूल है? क्वेश्चन था बेटा, क्यों लिखा है ना, क्वेश्चन है। क्लियर है ये? हाँ सर। यस। सेकेंड क्वेश्चन, इफ टी वन इज इक्वल्स टू वन, टी टू इज इक्वल्स टू वन एंड टी एन इज इक्वल्स टू टी एन माइनस वन प्लस टी एन माइनस टू और एन ग्रेटर देन इक्वल टू थ्री, फाइंड टी टेन। सॉल्व करो। सर आंसर 9 है क्या? नहीं, सॉल्व करो ना। टी थ्री निकालो पहले, टी फोर निकाल, निकालते जाओ। आंसर 1 है।
तो दिमाग खराब है क्या बच्चा, क्या बोल रहा है? T3 कितना है यार? सर इज इट 11? 2 आएगा. 11 आई डोंट नो. T3 कितना आया है? 2 आया है. हां सर T3 2. हां सर T4 कितना आया है? सर 3 आया है. T5 कितना आया है? 5. T6 कितना आएगा? 8. T7 कितना आएगा? 13. 21. T9 कितना आएगा? 34. T10 कितना आएगा? 55. क्लियर है क्या? मतलब उसमें T1 को N लेना है क्या? T1 को N थोड़ी लेना है. जब T3 निकालने जाओगे तो ये जो फॉर्मूला दिया हुआ है TN का इस क्वेश्चन के लिए, तो T3 क्या होगा बताओ? T3 क्या होगा बोलो? इस वाले फॉर्मूले में अगर मैं n का वैल्यू 2 डालूंगा, n का वैल्यू 3 डालता हूं, तो क्या हो रहा है बताओ? n का वैल्यू 3 डाला तो T3 क्या आ गया बोलो भाई? T2 प्लस T1 आ गया ना. हेलो. यस सर. T3 का वैल्यू कितना आ गया? T2 प्लस T4 का वैल्यू कितना आएगा बताओ? डालो n को 4. T3 प्लस T2 डालोगे. T3 प्लस T2. T5 क्या आएगा बताओ? T4 प्लस T3. T4 प्लस T3. ये क्लियर है क्या? यस सर. हाँ सर. समझे? मतलब एवरी टर्म इज सम ऑफ प्रीवियस 2 टर्म्स. इतना क्लियर है क्या? हाँ सर. कॉपी कर लिए? यस सर. यस सर. क्या मतलब हो रहा है? 140 टर्म्स. The number of terms is 140. Terms. ये कर लिए तुम? हाँ. कैसे? बिट बार बार करा था. यहाँ पे पैटर्न दिया हुआ है ना? नीचे देख लो टर्म्स का मतलब क्या होता है. कुछ नहीं आता. तुम बिना बन. टर्म्स का मतलब? एमसीआरटी में नहीं है. बताता हूँ बाद क्लास कर दिया. एक क्लियर है क्या? टर्म्स कैसे निकालते हैं? यस सर. क्वेश्चन. इफ TN इज इक्वल्स टू TN minus 1 plus हो गया ना दो क्वेश्चन सेम टाइप का क्वेश्चन. कितना करोगे? एक मिनट होल्ड करना ना, फोन आ रहा है किसी का.
हाँ एक और क्वेश्चन करेंगे इस टाइप का कि समझ गए कैसे करना होता है। एक और दे दो, एक और दे दूं तो इफ इसका भी रिफ्लेक्ट खत्म हो गया क्या? अरे इफ tn by tn plus 1 is equals to 2 and ऊपर के टी वन लिख रहा हूं यार, अरे यार क्या एक मिनट, अरे कोई रिफिल, मेरा कोई पेन खाली है क्या? इनू बाकी और पेस्ट है ना रेड वाले ब्लू वाले कहां गए? इफ टीएन माइनस वन बाय टीएन is equals to 2 and t1 is 3, find t5. Find t5. कॉपी करो। You're a nigger Indian. कौन था ये बदतमीज? बाहर का बच्चा थोड़ी एंटर कर सकता है, कौन एंटर किया होगा इसमें? सर कोई लुके ली करके है। How can he come? कहाँ है? कोई तो नहीं है, कहाँ है? सर है। Fucking nigger. सर पहले 41 थे अभी 42 है। अब देखो 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 अब देखो ये गलती किसकी है? तुम लोग की गलती है ना। मैंने पासवर्ड तुम्हारे क्लास के जस्ट पहले चेंज किया है, ठीक है? तो नाउ दैट द पासवर्ड हैज गॉन आउट ऑब्वियसली तुमने शेयर किया है, ठीक है? इट्स योर फॉल्ट, इट्स योर फॉल्ट। पता नहीं कौन किया आपके पासवर्ड, कोई किया है, ठीक है? एनीवेज लुक लिखा है तो जीमेल आईडी मुझे मिल जाएगा रात तक। सर 3/16 कितना है आंसर? 3/16 तो मैं काम करता हूँ, मैंने एक और चीज डाल देता हूँ ना मिनी, अरे यार मीटिंग सेटिंग में लॉक रूम वेटिंग रूम एक्टिवेट कर देते हैं। चलो फाइन टी फाइव तो कितना आ रहा आंसर बताओ? 3/16 टी वन थ्री है ना, सब लोग निकाल लीजिए कितना आ रहा है क्या?
T1 के पहले क्या लिखा है? And 3/16 है सर. T1 3 है और T2 कितना आएगा? 3/2. N को डालोगे 2 तो तुम्हारा आएगा T1 3 है तो 3/2 और T2 will be 3/2. T3 will be 3/4. T4 will be 3/8. और T5 will be 3/16. मार्कर तो ठीक है बट तुमने बहुत ज्यादा रिफिल भर दी रियान इसमें. अरे यार पूरा हाथ गंदा हो गया. ठीक है तो ये सबको समझ में आ रहा है कि टर्म्स कैसे निकालते हैं? सो लास्ट वाले सेशन में कैसे अप्लाई किया वो क्या चीज? लास्ट वाले क्वेश्चन में T1 इज इक्वल टू N लिया था ना हमने. यहाँ पे कुछ और लिया है ना भाई. क्या बताऊं मैं तुमको यार, क्वेश्चन ही अजीब पूछते हो तुम कई बार. तो क्या दिया हुआ है? Tn-1/Tn इज इक्वल टू 3 दिया हुआ है ना यार. और T1 कितना दिया हुआ है? 2 दिया हुआ है. तुमको क्या दिक्कत है बताओ? बोलो क्या. मैं भाई जान जानना है मुझे इसमें तुम... क्या हुआ? आपने पहले क्वेश्चन उल्टा लिखा था. Tn-1/Tn2 लिखा था और T1=3 लिखा था. अच्छा हाँ चलो भाई बताओ सर्वे. सब इसमें तुम्हें क्या दिक्कत है बोलो सर? वो अप्लाई कैसे किया Tn-1/Tn में? तो डाल ना इसमें, तुमको समझ में आ रहा है क्या कह रहा है? डालो ना n का वैल्यू 1, n का डालो वैल्यू, n का 2, n का वैल्यू 2 डालोगे क्या होगा बोलो? n का वैल्यू 2 डाल इसमें, बोल क्या बनता है? T2. हाँ का वैल्यू कितना है बे? 2 है ना. तो अब बता T2 कितना आएगा? ये तेरे को नहीं चमकता है? ये तेरे को नहीं जम रहा कि T1/T2 2 है और तेरा T1 तेरा 3 है तो तेरा T2 2 नहीं निकाल सकता है? हाँ जी T2/T3 बताइए. बोल 2 है ना. तेरा T2 कितना आ गया? 3/2. तेरा T3 कितना आ गया? 3/3. अरे भाई सर्वेश अब इस टॉपिक में ना, इस टॉपिक को समझ लो अच्छे से यार, इसमें तो रटना नहीं है. हमारा T4 कितना आएगा? 3/8. और T4/T5 2 है तो तुम्हारा T5 कितना आ जाएगा बोलो? 3/16. इतना क्लियर है क्या? हाँ सर. कॉपी करो इसको. हो गया सर. कॉपी कर लिए सर्वेश? नहीं सर 2 मिनट. सर मतलब जो इक्वेशन दिया है उसका जो आंसर की वैल्यू एन लेने की है. जो इक्वेशन दिया है उसमें उसका जो आंसर दिया होगा उसकी सर को एज्यूम करना है क्या एन? अरे क्वेश्चन दिए क्या बोल रहा है? कुछ समझाओ इसको यार, मैं तो समझा नहीं पा रहा हूँ. क्या बोल रहे हो तुम? Tn-1/Tn का वैल्यू 2 दिया हुआ है इस क्वेश्चन में दिया हुआ है भाई मेरे. In this question, it is given that -1/Tn is 2. So, as you will change the n's, you will get different ratios, na?
भाई देख तेरे को समझना है तो बोल बात कर, तो बता सकता हूँ मैं समझ समझना तो क्या बोलना चाह रहा है। बाकी लोगों को क्लियर है क्या मैं क्या बोल रहा हूँ? क्लियर है टॉपिक बट वीडियो आपका ब्लर हो रहा है बीच-बीच में। नहीं बराबर बराबर है, क्लियर तो बराबर है। चलो एक और ट्राई करते हैं। टू माइनस टू प्लस टू माइनस टू प्लस टू माइनस टू अपटिल 141 टर्म्स, क्या वैल्यू होगी इसकी? जीरो। Come on यार, 141 टर्म्स है बॉस, माइनस टू ना। अरे ये टर्म वन है, ये टर्म टू है, ठीक है देख रहे हो, टर्म वन और टर्म टू मिलके क्या बन जा रहे हैं? जीरो ना। ये टर्म थ्री है, ये टर्म फोर है, क्या बन गया वैल्यू? वापस से जीरो बन गया ना। तो ऐसे ही यहां पर क्या हुआ होगा बताओ? 140 तक जीरो हो जाएगा, 139। और जो भी यहां पर आया होगा तुम्हारा 2 और माइनस 2, तो तुम्हारा ये क्या लिखा होगा? टर्म 139 और ये टर्म 140 है ना। तो बस एक लास्ट वाला टर्म बच जाएगा ना, उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2। अरे क्लियर है क्या अच्छे से? हाँ सर। ये चमकता है ना सभी को? यस सर। क्वेश्चन, पी एन इज इक्वल्स टू पी एन माइनस वन प्लस पी एन प्लस वन by 2 if क्या हो रहा है? if term 1 is 1 term 2 is 2 find t10 solve करो सब लोग। हाँ बोलो। हेलो। हाँ
पर 19 है सर 19 इसमें n की वैल्यू क्या है हाँ हेलो क्या हुआ आया क्या टी टेन कितना आया टेन आ रहा है टेन आया सर उसके टाइम पे तो नेटवर्क प्रॉब्लम 19 टी टेन 19 आएगा टी टेन तो मेरे ख्याल से हाँ सर 19 कैसे आएगा कैसे 10 आया बता मेरे को चलो जिसने भी बोला 10 बताओ कैसे आया को 2 लिया होगा सर T11 T22 T33 ऐसे ही आ रहा है अबे T23 है ना भाई T23 है नेक्स्ट अपन क्या करते हैं इफ
Tn by Tn plus 1 is equals to n plus 1. Yeah, n by n plus 1. T1 is 1. Find T10. टेन ही होगा नहीं यार, टेन कैसे आएगा? कैसे निकाल, तुम तो टेन कैसे निकाल दे रहे हो? वहां टी टू कितना आया? टू टू आया। हाँ सर टू आया, टू आया सर, टी टू आया। और टी थ्री? अच्छा टीएन को वन लिया तो टी, टीएन को वन नहीं लेते हैं, टीएन को वन नहीं लेते हैं भाई, टी वन वन है ना, तो एन को वन डालते हैं। अगर एन को वन डाला तो क्या बन रहा है? टी वन बाई टी टू इज इक्वल टू वन बाई टू। ठीक है, टी वन वन है तो टी टू तुम्हारा टू आ गया। ठीक है, नाउ टी थ्री, एन को टू डाला तो टी टू बाई टी थ्री कितना है? थ्री बाई फोर। टी टू बाई टी थ्री तुम्हारा है टू बाई थ्री। तो तुम्हारा टी थ्री हो जाएगा थ्री बाई टू इंटू टी टू थ्री। ओके, तो टी थ्री थ्री आया है ना, तो टी फोर फोर आएगा, टी फाइव फाइव आएगा, ऐसे जाते आते एंड तक सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा? डाउट, अरे इतना क्या डाउट है? इससे पहले वाले क्वेश्चन में n की वैल्यू क्या आएगी? n की वैल्यू थोड़ा निकालनी है भाई, वो समझ नहीं आ रहा क्या बोल रहा है बंदा। n की वैल्यू क्या बोल रहे हो तुम? तब से तुम एक ही बात पकड़ के बैठ जाते, n का वैल्यू चलो डिस्कस करो, क्लास में छोड़ के भाग जाते हो। बताओ मुझे, तुम n की वैल्यू डालने का क्या मतलब? मैं सोचो n का वैल्यू क्या बोल रहे हो, n का वैल्यू कहां निकाल रहे हैं बताओ? हम लोग n का वैल्यू कहां निकाल रहे हैं, इतना समझाओ मुझे, क्या बोल रहे हो तुम? सेकंड क्वेश्चन में n का वैल्यू कहां निकाल रहे हैं बोलो? t3 निकालना है तो n को कुछ तो एज्यूम करना पड़ेगा ना। अब तो t3 गधे, t3 निकालना है तो खुद ही बोल रहा है ना, t3 में n क्या है? 3 है ना गधे, तो n को 3 डालेगा तो क्या आएगा तेरा? t2 plus 4 upon 2। फिर क्या बोल रहा है तू? तो मुझे लगा n की वैल्यू पूरे के लिए कांस्टेंट। माशाल्लाह लगा तुमको यार। समझ में आया तुमको क्या करना है? तुमको अभी तक यही नहीं क्लियर है, तुम क्या टेंथ में सीक्वेंस सीरीज भी छोड़ दिए थे? टेंथ में नहीं था सीक्वेंस सीरीज। एपी जीपी नहीं, एपी नहीं था? था सर, एपी था सर। अरे सबने निकाल लिया ना कि मैं सॉल्व करूं क्या एक बार यार? हो गया भाई, ये हो गया सर, ये एपी सर, ये एपी ही है, ये एपी ही है। 2tn is equals to tn minus 1 plus tn plus 1. So, tn minus 1 is equals to tn plus 1 minus tn. ये AP ही है. Near क्या? Yes, sir. Rub करें?
if T1 by T2 is equals to, sorry, if Tn by Tn minus 1 is equals to n cube by n cube minus 1, Tn by Tn minus 1, na? So find if Tn is equals to n cube minus 1 by n cube plus 1, find T1 into T2 into T3 into T4 dot 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 T20. सॉल्व करो. जीरो जीरो जी सॉरी सॉरी One. भाई क्या बोल रहा है तू यार, सोच के बोल. वन कैसे आ गया तेरा? ये तो सॉल्व ही करना पड़ेगा ना सर. नहीं, थोड़ा कॉमन सेंस लगाओ. इवन डालने पे न्यूमरेटर जीरो होता है. तो T1 पूछा ही नहीं है ना, T2 से T20 पूछा है. लिख के देखो ना, लिख के देखो, कुछ कैंसिल हो सकता है. लिख के तो देखो. तो एक एक प्लस सिंपल काम करते हैं. ठीक है, सिंपल क्वेश्चन देता हूँ, इसका आंसर बताओ कितना है. बोलो, ये बताओ, ये सॉल्व करो. ये सॉल्व कर सकते हो ना, ये सॉल्व करो. सर 399 अपॉन कौन, किसका आंसर बोल रहे हो तुम? ये क्वेश्चन दिया था ना सर आपने अभी, एन क्यू माइनस वन वाला. हाँ सर. कैसे किया सर? वो टी टू टी को एन इज इक्वल टू के, तो वो आंसर अगर 7 अपॉन 9 इनटू 20 अपॉन 26 अपॉन. कोई समझाओ रे इसको, इसका नेट ही नहीं चलता है. हाँ भाई, ये तो करो. हेलो, सर पहले वो एन क्यूब वाला कर दे, फिर ये करे कि वो स्टार्ट कर दिया. सर 2 by 21. हाँ हेलो. हाँ कितना है आंसर सर इस क्वेश्चन का? 2 by 21. कैसे बताओ? पर ये T2 लिखा, T2 कितना आया? 1 by 3. T3 कितना है बोलो? 2 by 4.
2/3 2/4 T4 कितना है बोलो 3/5 T20 कितना आएगा 19/21 कुछ हो रहा है क्या सर 2 और 21 को छोड़ के बाकी सब कैंसिल हो जाएगा हाँ 2/4 × 3/5 × 4/6 इंटू लिखो क्या लिखा हुआ है बताओ 19/21 इंटू क्या लिखा हुआ है 18/20 क्या लिखा हुआ है 17/19 है ना कुछ कुछ कट रहा है क्या देखो 3 और 3 कट रहा है अरे हेलो हाँ सर 3 और 3 कट रहा है कि नहीं कट रहा है हाँ सर 4 और 4 कट रहा है कि नहीं कट रहा है 5 भी कटेगा ऑब्वियसली है ना तो ऐसे कटते कटते बताओ यहाँ पर क्या क्या कट जाएगा फिर 19 तक ही कटेगा 20 तो ये भी तो कट चुका होगा ना ये भी तो कट चुका होगा ना कहीं से है ना तो क्या बच गया बताओ यहाँ से 2 टर्म बच गए 1 × 2 और यहाँ से क्या बच गया 1/20 × 1/21 क्या ये क्लियर है क्या ना जो भी है एक बच्चे की जो सिलेक्शन हुई है बुलाओ मिल बात करोगे तुम लोग सर किस चीज की बात कर रही है सर हाँ सर कर अरे IIT में सिलेक्शन हुआ है उसका तो पूछो छोड़ दे 11th हाँ सर कॉपी कर लो इसको डन सर सब लोग कॉपी कर लीजिए तब तक संकेत पोदार को बुलाया है उसकी अभी IIT में 2800 रैंक आई है तो आप लोग उससे पूछ सकते हो कैसे पढ़ना चाहिए 11th में क्या क्या गलतियां करी उसने क्या क्या गलतियां नहीं करनी चाहिए तो इट विल हेल्प यू ऑल सबने कॉपी करी ना अब तक हेलो हाँ सर यस आप लोग का ज्यादा ही नेट खराब है आप लोग के बैच में इतना बाकी बैच में ना नेट की दिक्कत नहीं आती है लेट्स वेट बोला है उसको आने को तो आ जाएगा वो ठीक है तो तब तक आप लोग वो वाला क्वेश्चन सॉल्व कर लो जो दिया था कौन सा Tn इज इक्वल्स टू क्या था n³ - 1/n³ + 1 हाँ उसका तुम लोग एज अ होमवर्क कर लेना यहां तक T10 हाँ संकेत आ गया क्या बेटा अबे हेलो संकेत आया क्या जिसको एडमिट किया मैंने किधर गया हेलो संकेत हाँ सर हाँ किधर है भाई वीडियो तो ऑन करो अपना क्या वीडियो ऑन करो हाँ अरे ये बी फेज है 11th के बच्चे हैं संकेत ठीक है 11th वाले बच्चों ये संकेत पोदार है अभी इसकी रैंक 2800 के आसपास है कितनी रैंक तेरी एग्जैक्ट है 2800 ना कितना 2811
2811. तो आप लोग जो 11th के बच्चे हो, आप लोग इससे पूछ सकते हो मतलब कि कैसे पढ़ना है और क्या करना चाहिए, ज्यादा अच्छा रहेगा. तो मैं थोड़ी बात स्टार्ट करता हूँ. तुम्हारे संकेत, तुमको क्या लगता है तुमने 11th में क्या क्या गलतियां करी होंगी? 11th में, 11th का जो एंड का टाइम रहता है उसमें मैंने इतना ज्यादा कवरअप नहीं किया था जो मार्च में, मतलब 11th के एंड में जितना हो सकता है. अगर वो करता, 11th के टॉपिक 11th में ही स्ट्रॉन्ग कर देने चाहिए बाद में, क्योंकि फिर टाइम नहीं मिलता. मेरा, हम लोग को टाइम मिला बट जनरली नहीं मिलता. ठीक है. और 11th में और क्या क्या मतलब अपने को 11th में स्कूल स्कूल में कितना ध्यान देना चाहिए? स्कूल में तो कुछ भी नहीं, मतलब क्लास में 75% के आसपास ही रखने का अटेंडेंस, इतना कंपलसरी नहीं है, उसमें कम आए तो भी. हाँ, संकेत पुदार वैसे डीएवी पनवेल का था, ठीक है, तो काफी स्ट्रिक्ट है स्कूल. बट क्या 11th के जो हमारे मार्क्स होते हैं स्कूल के, वो मैटर करते हैं क्या कहीं से भी? कुछ मैटर नहीं करते. ठीक है. 11th में अपने को पढ़ाई का क्या मतलब, हाउ शुड अ किड स्टडी इन क्लास 11th? कैसे पढ़ने का रूटीन में आना चाहिए, कुछ करना चाहिए, हाउ शुड ही स्टडी? वीकली तो छुट्टी मानी चाहिए स्कूल में, मतलब एक दो दिन. अभी तो नहीं, अभी तो बच्चे वैसे भी ऑनलाइन पढ़ रहे हैं तो क्या अंतर पड़ता है? तो हाउ शुड दे मेक अ स्टडी प्लान, कुछ करना चाहिए उनको स्कूल में? मतलब स्कूल के लिए तो मैंने मतलब ज्यादा कुछ किया ही नहीं था, बस एग्जाम के टाइम पे थोड़ा बहुत करता था, क्लास में जितना सुनता था उतना हो जाता था. बाकी टाइम जेई के ही पढ़ाई को देना चाहिए, और नोट्स रिविजन एंड ऑल तो करनी चाहिए डेली, वो इम्पोर्टेंट. भैया मैथ्स और केमिस्ट्री हो जाता है, फिजिक्स के लिए आप कुछ स्पेशल कर देते क्योंकि वो टफ पड़ता है थोड़ा? सर जो बोलता था वही करता था, मतलब रेजोनेंस की शीट ही काफी रहती है, उतने जो सर बोलते हैं जितना करना है, नोट्स पढ़ के फिर शीट सॉल्व करना. ओके थैंक यू. मैं वो डाउट सर से पूछ लेना. जितना मैंने क्वेश्चन पूछता था मतलब, तो मतलब ये बता कि अपने को से बच्चा 11th में है तो मतलब हाउ, मतलब ऑब्वियसली सितंबर का अक्टूबर का वक्त है तो बच्चों से पढ़ाई टफ लगने लगती है, तो मतलब हाउ टू कीप देम मोटिवेटेड, बच्चों कैसे खुद को मोटिवेट रखे पढ़ाई के लिए, व्हाट डू यू थिंक? टफ तो लगता ही है, मतलब एग्जाम में भी कम मार्क्स आते हैं कभी, या तो फिर उससे मतलब टफ सबको ही लगता है, वो उसमें डीमोटिवेट नहीं होना चाहिए कि मतलब टफ होता है, बट जो टफ है उसको ज्यादा प्रैक्टिस करने का. एग्जाम जो अपने वीकली एग्जाम्स होते हैं उनके लिए पढ़ते, जो भी 3 वीक में एग्जाम होते हैं उस पर ज्यादा कंसंट्रेट करना चाहिए कि मतलब जो कंसेप्चुअल बिल्डिंग ऑफ द टॉपिक है उस पर कंसंट्रेट करना चाहिए, कैसे मतलब हाउ टू? बिकॉज टेस्ट के लिए पढ़ने जाएंगे तो जो अभी का शेड्यूल है वो पूरा डिस्टर्ब होता है, और टेस्ट का सिलेबस इतना होता है कि पूरा पढ़ नहीं पाते हैं. जस्ट गो थ्रू करना चाहिए कि क्या याद है क्या नहीं, जो मतलब जस्ट रफली, बट अभी का जो चल रहा है उस पर ज्यादा कॉन्सेंट्रेट करना चाहिए. गाइज जितने क्वेश्चंस थे मेरे को पूछने के लिए मैंने पूछ के आप लोग को हेल्प करने का ट्राई किया, बाकी अभी डायस ओपन करता हूँ, आप लोग को जो पूछना है आप लोग पूछ सकते हो. किसी को कुछ भी नहीं पूछना है क्या? एक दिन में कितना टाइम पर सब्जेक्ट मतलब डिनोट करना चाहिए? तीनों को ऑलमोस्ट इक्वली टाइम देना चाहिए, और मतलब ऐसे गिन के नहीं पढ़ना चाहिए कि इतने ही आवर्स, मतलब जो टाइम मिले उसमें पढ़ना चाहिए उसमें, और जो सब्जेक्ट वीक है उस पे थोड़ा सा ज्यादा कंसंट्रेट करना चाहिए. ओके थैंक यू. आपने केमिस्ट्री के लिए कुछ एक्स्ट्रा किया था क्या? केमिस्ट्री में तो सर के नोट्स ही काफी रहते हैं, और एक्स्ट्रा करना है तो ऑर्गेनिक के लिए हिमांशु पांडे कर सकते हो, बट वो अभी नहीं, वो बाद में एग्जाम के पहले, और या फिर जैसे जैसे टॉपिक होते जाए वैसे भी कर सकते हो. इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक में सर के नोट्स ही पढ़ते जाओ, फिजिकल में भी. बच्चे तो वैसे भी, हाँ बच्चे तो वैसे भी 11th के ही है, अभी तो उनको क्या ही मालूम ऑर्गेनिक क्या होती है.
पूछो भाई। I had the question. So, is 11 studies also important for the 12th? Means, does it cover the 12th portion too? Will it help in 12th? Yes, because 12th ke jo topics hote, those are related to 11th only. I mean, not all, but the basic is 11th only. Like 11th mein rotational motion wagera, wo sab 12th mein RBD mein use hi hota hai. So, 11th ke topics pe like equally important, 11th and 12th. Okay, thank you. How much time should we devote every daily for our hobbies to just relax, other than our other studies and all the other activities, daily activities? Hobbies, मतलब like just ऐसे short break बीच में अगर like long stretch में पढ़ते पढ़ते अगर bore हो गया तो थोड़ा बहुत अब like music वगैरह सुन सकते हो. And मतलब enjoy करते पढ़ते जाओ. Means no, not like means breaks in between the study. I mean, like I can't tell a specific time limit. Means it depends on the individual how much he can means. Yeah. Resist. Depends on the concentration level. I mean, how much can you sit in one go? Try to sit as much as you can, but after a certain time, like you can't, like nothing goes inside your brain. So that time you can chill a little bit, but then you have to start again. Thank you, and anyways, congratulations for your selection. Don't take too much stress. I mean, relax hoke padhte jao. Jitna relax hoke padhoge, utna acche se matlab ye hota hai. उतना अच्छे से समझता है. थैंक यू. भैया भैया पेपर कैसे सॉल्व करते थे पहले, केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथ्स ऐसे? जनरली पैटर्न तो पहले केमिस्ट्री, फिर उसके बाद बीच में मैथ्स, फिर फिजिक्स. बट वो मतलब पर्सनल चॉइस पे रहता है. अगर मतलब तुम लोग को किसी सब्जेक्ट में कॉन्फिडेंस है, मतलब सर से पूछते जाओ, सर बेटर एक्सप्लेन करेंगे आपको. भैया और 11th में स्कूल का जो कंप्लीशन वर्क होता है वो सब ज्यादा इम्पोर्टेंट है? मैं तो कुछ ज्यादा करता ही नहीं था, कुछ मतलब स्कूल मैटर ही नहीं करता 11th में. मतलब मैं तो 70% से भी कम अटेंडेंस होगी शायद, पता नहीं वो बढ़ा ली होगी. मैं बहुत मतलब स्कूल में ज्यादा जाता नहीं था, इतना मैटर नहीं करता वो. 11th में स्कूल का स्ट्रेस मतलब लेते ही मत जाओ कुछ. 11th की स्टडीज ज्यादा इम्पोर्टेंट है या 12th के? मतलब 11th में ज्यादा ध्यान देना या 12th? दोनों इक्वल इम्पोर्टेंट है. लाइक 12th का जो बेसिक है वो 11th में भी होता है, 11th के टॉपिक्स भी आते हैं, 12th के भी टॉपिक 12th के भी टॉपिक्स आते हैं फाइनल एग्जाम में. दोनों इक्वली इम्पोर्टेंट है. इलेवेंथ में बस वो सेट होने में टाइम लगता है. अब टेंथ से इलेवेंथ में आते हो तो मतलब वो एक ह्यूज जंप रहता है. तो वो उसके स्टडीज के अकॉर्डिंग आपको मतलब जैसे टेंथ में लाइक एसएसटी एंड ऑल आपको लाइक थोड़ा सब्जेक्टिव टाइप इसकी आदत रहती है, बट इसमें लाइक इलेवेंथ में कॉन्सेप्ट इम्पोर्टेंट रहता है. तो वो बस सेट होने में थोड़ा टाइम लगता है इलेवेंथ में, वही बस एक हार्ड चीज रहता है. बट एक बार सेट होने के बाद आपको लाइक समझ गया पर्सनली कि कैसे पढ़ना चाहिए, क्या करना चाहिए, तो फिर फ्लो में हो जाता है वो. आपको इस चीज में कितना टाइम लगा था? सॉरी कैन यू रिपीट द क्वेश्चन? आपको ये सब सेट होने के लिए कितना टाइम लगा था? ऐसे मैं स्पेसिफिक बोल नहीं सकता कि मैं कब सेट हुआ एंड क्या हुआ. लाइक वो फ्लो में हो ही जाता है. मतलब
समझ में आने लगता है धीरे धीरे कि कैसे पढ़ना चाहिए, कौन सा सब्जेक्ट. लाइक हमको समझ में आता है कि हमारा सब्जेक्ट कौन सा वीक है, कौन सा स्ट्रॉन्ग है, कौन सा टॉपिक कैसे पढ़ने चाहिए करके. वो खुद से समझ में आता है धीरे धीरे. ओके फिजिक्स के कुछ बेसिक समझने के लिए कोई गाइड या बुक. क्या फिजिक्स के जो बेसिक्स होते हैं ना उसके लिए कोई बुकलेट या गाइड? उसके लिए ना आप सबसे बेस्ट थिंग है सर की हेल्प लो. सर आपको बेस्ट एक्सप्लेन कर दें. लाइक कोई भी बुक मतलब उससे अच्छा आपको अगर जो समझ में नहीं आया नोट्स में जो है वो समझ में नहीं आया तो सर को ही कॉन्टेक्ट करो. ओके other than studies did you spare some time for sports or just studies only? I was not that interested in sports, so I like itna nahi tha. Bhaiya aapne end mein like sab kuch tv phone sab kuch puri tarah se give up kiya? Like phone to lagta hi hai matlab sab question wagera bhejte hai like फोन तो लगता ही है. लाइक कम्प्लीटली ऐसे बंद तो नहीं कर सकते बट लाइक कम कर देना चाहिए 11th एंड 12th में. मतलब भैया आप पहले से एक एवरेज स्टूडेंट थे या फिर एकदम से रेजोनेंस जॉइन करके आप एकदम होशियार हो गए? No, he was a good student from class 10th. He was actually a very good student from class 10th. ठीक है? Okay sir. Readiness join करके कोई मतलब readiness आपको बस guide कर सकता है. हम लोग आपका IQ नहीं बढ़ा सकते हैं. हम लोग बस आपको आपकी IQ के capable branch दिलवाने में help कर सकते हैं. जितना आप मेहनत करना चाहोगे उतना हम लोग मेहनत कर देते हैं. बाकी IIT जाना नहीं जाना ये totally तुम पर depend करता है. Totally. फैकल्टी पे आई डोंट बिलीव कि 20-30% ही बिलीव होता है. हम बस आपको नोट्स देते हैं, आपको डाउट सॉल्व करते हैं, बाकी पढ़ना आपको है, मेहनत आपको करनी है. आई थिंक किसी कुछ पूछना है क्या? और संकेत एनी पार्टिंग एडवाइस बच्चों को कैसे पढ़ना है 11th और कुछ दो तीन मिनट बोल दो यार कैसे करना चाहिए. सॉरी रेगुलरिटी मेंटेन करनी चाहिए. मतलब ऐसे कभी गैप नहीं होना चाहिए तुम लोग के स्टडी में. एंड जब टेस्ट देते हो तब पैनिक मत करते जाओ. क्योंकि मतलब मेरे साथ हुआ था ऐसा कि हुआ था बट वो नहीं करना चाहिए. क्वेश्चंस बनते हैं ऐसा लगता है हमें स्टार्टिंग में कि क्वेश्चंस नहीं बन रहे बट धीरे धीरे अगर मतलब जो नहीं आता है उसको छोड़ दो बाद में ट्राई करो बट जो आता है वो पहले करते जाओ. पैनिक मत करते जाओ टेस्ट के टाइम पे बस. एंड रेगुलर रहते जाओ बस वही फैकल्टी जो बोलते हैं वो करते जाओ. ट्राई टू कम्प्लीट एज मच एज पॉसिबल जितना सर लोग वगैरह होमवर्क देते हैं और नोट्स नोट्स वगैरह लिखा के देते हैं उसको पढ़ते जाओ. फैकल्टी जो बोलते हैं वो फॉलो करते जाओ. आपको इनिशियली कितने आए थे लाइक परसेंटेज वगैरह या रैंक्स क्लास में क्लास टेस्ट जो होते थे वो? सेंटर रैंक तो पहले ही होता था बट लास्ट में थोड़ा सिटी रैंक मतलब 12th में आने के बाद सिटी रैंक मतलब थोड़ा नीचे हो गया था बट कवर करते हैं मतलब मतलब पहले से फर्स्ट होता था सेंटर में फर्स्ट होता था बट सिटी में फिर 12th में आने के बाद नहीं रहने लगा. मतलब ये जो 12th और 10th के मार्क्स है वो मतलब कॉलेज सिलेक्शन में कोई कुछ काम आते हैं या फिर सिर्फ आप
कॉलेज सिलेक्शन के तो काम नहीं आता है, बट मतलब बोर्ड के लिए एंड में तुम लोग को टाइम मिलता है तो पढ़ते जाओ, बिकॉज वो मतलब बाद में मैटर करते है. अभी कॉलेज सिलेक्शन को तो कुछ मैटर नहीं करते, बट बाद में आगे जाके लाइक तुम्हारे प्रोफाइल में रिज्यूमे के लिए वगैरह वो काम आता है. चलो अभी ये बहुत ही बी फेज वाले बच्चे हैं, तो अभी ज्यादा पूछ नहीं पा रहे ये लोग. मैं कल ए फेज के बच्चों ने कल बिल्कुल संकेत बिरादर के अंदर जान खा गए थे, एक घंटे तक पागल कर दिया था उसको. चलो ठीक है संकेत, थैंक्स सर बच्चों थोड़ा बहुत एडवाइस देने के लिए. चलो बाय बाय सर. ओके बाय बाय. अरे हेलो. अरे हेलो. हेलो कि नहीं क्या तुम लोग के पास क्वेश्चन ही नहीं है कि भैया आप कितना सोते थे, कितना बजे सोना चाहिए, कितने बजे उठना चाहिए, ये सब कोई पूछा ही नहीं, सब शांत बैठे हुए हो हैं. तो ठीक है कोई बात नहीं, अभी तुम लोग को ज्यादा आइडिया नहीं है पूछने का. ये क्वेश्चन कल का होमवर्क है और स्टेट बोर्ड की बुक चैप्टर 3 क्या कल तक आप खत्म कर सकते हैं कि नहीं खत्म कर सकते हैं? हेलो सर, मेरे पास स्टेट बोर्ड की बुक नहीं है. किसी के पास भी नहीं है? मेरे पास भी नहीं है, ग्रुप पे शेयर्ड है. ओके सर. ग्रुप पे शेयर्ड है कि नहीं है स्टेट बुक? है सर. है सर. ठीक है. सो क्या कल चैप्टर 3 डिस्कस कर सकते हैं हम लोग, नहीं कर सकते बताओ मुझे आप लोग साफ साफ. सिर्फ चैप्टर 3 या चैप्टर 3 सर? नॉट एक्सरसाइज है. ठीक है कल से चैप्टर 2 डिस्कस करूंगा मैं और ये क्वेश्चन करूंगा और चैप्टर 3 बनाना शुरू कर दीजिए. ठीक है. ओके सर. बाय यार. थैंक यू.